नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व व्यापार न्यूज चैनल। मेरी यानी विनीता के साथ आइए देखते हैं आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट। गिरफ्तारी वैध, जमानत भी शर्तों पर, बाहर आकर भी केजरीवाल के लिए सरकार चलाने में मुश्किलें कम नहीं। दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के बाद सीबीआई मामले में भी जमानत मिल गई है। ईडी ने नवम्बर 2023 से मार्च 2024 तक केजरीवाल को 9 समन भेजे, लेकिन वे पूछताछ में शामिल नहीं हुए। इसके बाद ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। 10 दिन की पूछताछ के बाद 1 अप्रैल को केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेजा गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के बाद सीबीआई मामले में भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। वे शाम तक तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने सीबीआई की गिरफ्तारी को वैध ठहराया है और बेल की शर्तें तय की है। कोर्ट ने जमानत के लिए वही शर्तें लगाई हैं जो ईडी केस में बेल देते वक्त लगाई गई थी। केजरीवाल को बाहर आकर उन शर्तों का पालन करना होगा। माना जा रहा है कि शर्तों की वजह से केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं, उन्हें सरकार चलाने में मुशक्कत झेलनी पड़ सकती है। फिलहाल केजरीवाल की रिहाई से पार्टी नेता से लेकर कार्यकर्ता तक खुश हैं। सेम आवाज से लेकर पार्टी दफ्तर में जश्न मनाया जा रहा है। दरअसल दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल भी फंसे हैं। ईडी ने नवंबर 2023 से मार्च 2024 तक केजरीवाल को समन भेजे, लेकिन वे पूछताछ में शामिल नहीं हुए। इसके बाद ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। 10 दिन की पूछताछ के बाद 1 अप्रैल को केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेजा गया। इस बीच 26 जून को सीबीआई ने केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया। बाद में 12 जुलाई को ईडी केस में केजरीवाल को जमानत मिल गई, लेकिन सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद जेल से रिहाई नहीं हो सकी। आम आदमी लगातार दावा कर रही है कि बीजेपी ने केजरीवाल को राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया है। वहीं बीजेपी कह रही है कि बोया पेट बबूल का तो आम कहां से होए। जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल किसी भी फाइल पर दस्तखत नहीं कर पाएंगे जब तक ऐसा करना जरूरी ना हो। केजरीवाल के दफ्तर जाने पर भी पाबंदी रहेगी। वे ना तो मुख्यमंत्री कार्यालय और न सचिवालय जा सकते हैं। इस मामले में केजरीवाल कोई बयान या टिप्पणी भी नहीं कर सकते हैं। किसी भी गवाह से किसी तरह की बातचीत नहीं कर सकते हैं। इस केस से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल को नहीं मंगा सकते हैं, ना देख सकते हैं। जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे। 10 लाख का बेड ब्रांड भरना होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की खबरों पर बने रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल